हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है कि लोग क्लोन वेबसाइट्स क्यों बनाते हैं, मतलब एक जैसी दिखने वाली वेबसाइट लोग बहुत सारी क्यों बनाते हैं, क्यों एक ही वेबसाइट की नकल करके अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स होती हैं जो सेम सर्विस प्रोवाइड करती हैं बल्कि कुछ घटिया सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक MP3 डाउनलोड करने की साइट है जहां से आप MP3 डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे MP3 हैं उसमें, बहुत सारे सॉन्ग हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग जेनर के अलग अलग लैंग्वेज के सॉन्ग्स वहां मिलते हैं। तो कोई दूसरा व्यक्ति है, उसने ऐसी ही दिखने वाली वेबसाइट लगभग मिलते जुलते नाम की एक क्लोन वेबसाइट बना ली। क्यों बनाई इसके बारे में मुझे एक सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने पूछा, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के मैं आपको बताऊं कि क्लोन वेबसाइट और ये इंटरनेट पे जो नकल का सिलसिला चलता है क्यों चलता है। तो इसका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, सिंपल, पहचान से इसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे मान लीजिए myMP3.com, एग्जाम्पल के तौर पर, मैं किसी वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाहता, myMP3.com एक वेबसाइट है अच्छी वाली ओरिजिनल, तो उसको बनाएंगे yourMP3.com, excellentMP3.com, ऐसे कुछ भी मिलता जुलता नाम बनाएंगे, लेकिन वो वेबसाइट बिल्कुल वैसी ही दिखेगी। अब एक नॉर्मल यूजर जो होता है वो ज्यादातर वेबसाइट के नामों पर और URL पर ध्यान नहीं देता, और कई लोग तो एकदम हूबहू वेबसाइट बनाते हैं, लोगो भी सेम रखते हैं, नाम भी सेम रखते हैं, लेकिन URL में डिफरेंस होता है। URL मतलब डोमेन में फर्क होता है। myMP3.com है तो myMP33.com कर देंगे, डुप्लीकेट साइट बनाते हैं ताकि वो पहली ओरिजिनल वेबसाइट की पॉपुलैरिटी का फायदा उठा पाएं, क्योंकि myMP3.com जो पहली ओरिजिनल साइट है वो काफी पॉपुलर है, लोग उसको जानते हैं। तो अगर जो डुप्लीकेट वेबसाइट पे लोग चले जाएंगे गलती से गूगल सर्च करके, तो उनको लगेगा अरे वाह ये तो ओरिजिनल वेबसाइट पे, तो वहां काफी टाइम बिताएंगे, चीजें डाउनलोड करेंगे, जिससे डुप्लीकेट वेबसाइट वाले को पैसे मिलेंगे। तो ये तो ऐसा हो गया कि कोई ओरिजिनल सेलिब्रिटी, जैसे आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, इनकी नकल करने वाले लोग भी होते, वो उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर फेम हासिल करना चाहते हैं, पैसे हासिल करना चाहते हैं। तो यही इंटरनेट में भी होता है, इंटरनेट की दुनिया में भी ऐसा ही होता है, लोग डुप्लीकेट वेबसाइट बनाते हैं पैसा कमाने के लिए। फेम का वहां तो खैर कोई मतलब नहीं होता है, बेसिकली पैसा कमाना होता है हमने। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि लोग क्लोन वेबसाइट्स क्यों बनाते हैं, नकली वेबसाइट्स क्यों बनाते हैं, मतलब एक जैसी दिखने वाली क्यों बनाते हैं। एक वेबसाइट है जो सबसे ज्यादा अब्यूज हुई, सबसे ज्यादा जिसकी डुप्लीकेट वेबसाइट्स बनी, वो है songs.pk। ये एक पाकिस्तानी वेबसाइट है जिसमें आप MP3 डाउनलोड कर सकते हैं, songspk.name, songspk.pknl, इसके बहुत सारे डुप्लीकेट वेबसाइट्स बनी, इसकी सबसे ज्यादा अब्यूज हुई है वेबसाइट। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी क्लोन वेबसाइट्स क्या होती हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, गुड बाय।